तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं वॉक्सपोल की तरफ से कार शैम्पू, जो कि एक कंसंट्रेटेड शैम्पू है। ये वाला जो पैकेज देख रहे हैं ये 1 लीटर का है और ये वाला 2.5 लीटर का है। इसका मेरा प्राइस पड़ा था अराउंड 215 और इसका प्राइस पड़ा था 334। ये वाला जो पैकेट है ये मेरा दोस्त के लिए है और इसे मैं ऑलरेडी 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, मोर देन 2 मंथ हो गया होगा। और इसका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मैं को बताने वाला हूँ ये कैसा है नहीं है। पहला तो ये कंसंट्रेट शैम्पू है और इसका कलर ग्रीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, बहुत ही इकोनॉमिकल है, मतलब इस प्राइस रेंज में इतना क्वांटिटी कंसंट्रेटेड जो है बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत कम पानी में इसको वॉश कर सकते हैं। इससे आप फोम क्रिएट कर सकते हैं, फोम वॉश भी है। और ये 1 लीटर बनाती है 200 लीटर, मतलब इस बॉटल से आप 200 लीटर्स तक आप वॉश सॉल्यूशन इसको बना सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल है, सेफ ऑन हैंड है, कोई ऐसे हाथ में जलन या इरिटेशन ऐसा कुछ महसूस होता नहीं है। पीएच बैलेंस्ड है, डीप क्लीन डर्ट ग्राइंड और पावरफुल क्लीनिंग है। एक चीज़ मैं बता दूँ, कोई भी शैम्पू, कॉन्सेंट्रेट शैम्पू हो या ऐसा शैम्पू हो, कार का जो टार रहता है, ठीक है, जो टार जो चिपक जाता है जो सामने पार्ट में रहता है, उसको वो क्लीन नहीं कर पाती है। तो कोई भी शैम्पू से टार रिमूव का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है। और इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। पहले पूरे कार को आपको पानी से धो देना है नॉर्मली, मतलब जो भी सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल ऐसे नॉर्मली वॉश करने से जो निकल गया वो निकल गया। उसके बाद अगर आप फोम वॉश करना चाहते हैं तो फोम वॉश भी कर सकते हैं मशीन से, अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक माइक्रोफाइबर टॉवल ले लेना है। ये 800 GSM का है, 340 भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं पर्सनली 800 GSM प्रेफर करता हूँ। इससे आप यहाँ पे आप डाल लीजिए अराउंड हाफ कैप इसका डाल लीजिए, उसके बाद इसी में फोम क्रिएट करके आप पूरे व्हीकल में लगा लीजिए। और चीज़ मैं एक बार बता दूँ, जो ये फुल जो प्रोसेस है धूप में मत कीजिए। जैसे बाहर में अभी आपको धूप दिख रहा है इतना धूप में मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है जब ये सॉल्यूशन डस्ट के साथ ये घुल मिल जाती है फिर धूप के लिए वो तुरंत सूख भी जाती है, तो फिर से वो स्पॉट बनने लगता है। तो बेटर है कि आफ्टर इवनिंग आप अपना काम कीजिए, या अगर वेदर बाहर में थोड़ा छाव टाइप का है, उतना धूप नहीं है, तो आप इसे यूज़ कीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़, ये कोई स्पॉट मार्क नहीं छोड़ती है नॉर्मली, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मल डिटर्जेंट में क्या होता है, अगर कोई दूसरा डिटर्जेंट से, या डिटर्जेंट तो कोई यूज़ करता नहीं है लेकिन अगर कोई कर लेता है तो क्या होता है कि सफ़ेद सफ़ेद धब्बा धब्बा बन जाता है ऐसे, तो इससे ऐसा कुछ नहीं है, क्लीन आपको एक रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये क्लीन बहुत अच्छे से कर लेती है। जैसे ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, अगर आप 4 लीटर का सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो ये जो कैप देख रहे हैं इसमें आपको 2 कैप लेना पड़ेगा और हर एक कैप का जो क्वांटिटी है वो 20 ml है, मतलब 40 ml बना सकती है 4 लीटर का वॉश सोल्यूशन। और इस शैम्पू को और एक अच्छी बात है कि ये वेराइटी क्वान्टिटी में आपको मिल जाता है। जैसे ये 1 लीटर का है, ये 2.5 लीटर का है, फिर आपका है 5 लीटर और फिर डायरेक्ट है 20 लीटर का है। तो वैरायटी टाइप का आपको मिल जाता है। अगर आपके घर पे व्हीकल का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट 20 लीटर में भी जा सकते हैं या 5 लीटर में भी जा सकते हैं। मेरा जैसे एक ही ये है और बाइक है तो मेरा 1 लीटर से काम चल जाता है, कोई झंझट वाली बात है नहीं। बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं प्रेफर करता हूँ, आप अगर फोम वॉश कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फोम वॉश के लिए आपको एक हाई प्रेशर वाटर गन चाहिए या मशीन चाहिए, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। मैं प्रेफर करता हूँ कार्चर का, जो कि जर्मनी प्रोडक्ट है, कार्चर K1, K2 या कार्चर का कोई भी प्रोडक्ट, मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा। प्राइस बहुत इकोनॉमिकल है, कम रेंज में है, 6000 to 8000 में आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए फोम वॉश है। अगर आप परचेस नहीं करना चाहते हैं तो माइक्रोफाइबर से कीजिए, आपको बड़े वाले बॉटल में भी सेम डायरेक्शन दिया गया है। दोस्तों अगर इसको 3M के साथ मैं कंपेयर करूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं 3M से बहुत सस्ता है, ऑलमोस्ट सेम काम करती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इसमें और 3M में। 3M में पर्सनली मैं यूज़ नहीं किया हूँ लेकिन जहाँ जहाँ मैं देखा हूँ 3M का रिजल्ट, 3M का जो सोल्यूशन है उसमें थोड़ा आपको जो स्मूथनेस है सरफेस का वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अगर आप और भी बेटर रिजल्ट में जाना चाहते हैं, और भी अच्छा फिनिशिंग आपको चाहिए तो 3M का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, नहीं तो ये सबसे आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे फिनिशिंग देख सकते हैं इसको, जो व्हीकल है मैंने इसी से इसको वॉश किया है तो इसका शाइनिंग आप देख सकते हैं जो भी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके व्हीकल में टार लगा हुआ है तो कोई भी शैम्पू से आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए बेस्ट है WD-40, ठीक है। WD-40 से आप उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। सिंपली जहाँ पे टार आपका है वहाँ पे स्प्रे करके आप 10 मिनट छोड़ दिए, 10-15 मिनट, फिर ऐसे माइक्रो क्लोथ से आप उसको अच्छे से
थोड़ा प्रेशर करके एक यूनिडायरेक्शनल में उसको वाइप कीजिए, तो आपका टार भी रिमूव हो जाएगा WD-40 से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ऑसम टेक राइडर को सब्सक्राइब कीजिए। किसी फ्रेंड को अगर हेल्प करना चाहते हैं इस इन्फॉर्मेशन से तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।